हमें दुख कौन देता है इसकी तलाश करो, और जो दुख देने वाला है उसको दूर करो। अगर हम बदहोश हो जाएं पूरा और हमारे शरीर को कोई एक वायुयान में रख करके उड़ा ले जाए और एक दूसरे ग्रह पर ले जाए और वहाँ सब प्राणी हों, मकानात हों, जैसे भूमंडल पर विकास वैसे हो, और वहाँ ले जा करके मुझे कोई उतार दे और फिर जगा दे, तो वहाँ हमें विचित्र लगेगा, बिल्कुल नई दुनिया, कहाँ आ गए। इस संसार में ऐसे आए हैं, लेकिन स्वाभाविक क्यों लग रहा है? क्योंकि अचेत ही में जन्मे हैं और जन्म के बाद भी अचेत में पड़े रहे। कहते हैं बच्चा जन्मता है जब, उसके बाद वो 22-22 घंटे सोता है, फिर धीरे धीरे सोना घटने लगता है और आंखें खोलने लगता है, कुछ देखने लगता है। उसको विचित्र अनुभव जरूर होता होगा, फिर धीरे धीरे उसकी ममता होने लगती है, माता बताने लगती है, और ममता होते 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 इतना स्वाभाविक हो जाता है कि लगता है यही सब कुछ मेरा है। और है ऐसा नहीं, पता नहीं कहाँ से आए, यहाँ आ गए और यहाँ कुल स्वाभाविक लगता है, सांस टूट जाएगी, पूरा गायब। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निदनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त आदीन भूतानि, आदि भूतों का अव्यक्त है, शुरुआत इन प्राणियों का अव्यक्त है, पता नहीं। आज से 100 वर्ष पहले मैं कहाँ था पता नहीं। पता न होने से अनस्तित्व तो नहीं है, पता नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि अस्तित्व तो ही नहीं था। अस्तित्व न होता तो आता कहाँ से? जो नहीं है वो कैसे आ जाएगा, और जो है वो नहीं कैसे हो जाएगा? लेकिन पता नहीं। अव्यक्त आदीन भूतानि, भूतानि प्राणियों का आदि, इस जन्म के पहले अव्यक्त, पता नहीं। व्यक्त मध्यानि भारत, अय भारत, अय अर्जुन, ये बीच में व्यक्त है, पता लगता है कि यहाँ पर बैठे हैं, कबीर नगर में बैठे हैं, बीजक मंदिर के सभागार में बैठे हैं। व्यक्त मध्यान्ह भारत, अव्यक्त निदनान्येव, निदनात् एव अव्यक्त, निधन होते ही अव्यक्त हो जाएगा शरीर छुटा, फिर यहाँ कोई नहीं जाने के कहाँ गए, तत्र का परिदेव ना, ऐसी जगह के लिए क्या पीड़ा, क्यों पीड़ित हो? जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ मेरा एक कण नहीं है। जो हमने मान रखा है घर द्वार परिवार समाज, कुछ मेरा नहीं, व्यवहार है, शरीर रहे तक व्यवहार है, और इस व्यवहार में बहुत तटस्थ रहो, अपने विवेक को इतना बलवान कर लो
ये अभेद्य किला हो जाए, उसमें दुख की कोई सुराख न हो पाए। निरंतर मनन चिंतन ध्यान अभ्यास करने से होगा, अहंकार ममकार मारने से। अविद्या हमें दुख देती है, कौन दुख देता है हमें? कोई नहीं दुख देता, हमारी अविद्या। और हमारी अविद्या कौन कारण है? मैं स्वयं भटका इसलिए दुखी हूँ। या आपा को डारी दे दया करे सबको, अपने अहंकार को खो दो सब दया करेंगे। अहंकार से उछलते हो इसलिए जलते हो, और दूसरों की दृष्टि में भी खराब लगते हो। पूरा अहंकार समाप्त कर दो। या आपा को डारी दे दया करे सबको, ये आदि साखी साहेब के, इतना काफी। इसी का निरंतर मनन चिंतन हो। या आपा को डारी दे दया करे सबको। ईश्वर ने ऐसी माया डाली है कि हम दुखी हैं। एक सज्जन मिले, कहे महाराज आपके सत्संग में तो आने का मन था, लेकिन ईश्वर ने ऐसी माया डाली है कि परेशान। तो मैंने कहा ईश्वर से हटो, तो हंसने लगे। ईश्वर को आप क्या मानते हैं? वो सज्जन नहीं है? दुर्जन है क्या जो किसी के ऊपर माया डाल के उसको उलझा दे? वो सज्जन नहीं होता, दुर्जन होता है। गांव में ऐसे लोग कहीं कहीं, गांव में शहरों में हर जगह होते हैं, किसी के काम में अड़चन डालने में उनको आनंद आता है, और उसके द्वारा वे कुछ लाभ भी चाहते हैं। कुछ तो चौधराना चाहते हैं, पैसा तो नहीं चाहते हैं, चौधराना चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व रहे। और कुछ लोग तो पैसा भी चाहते हैं, कोई जमीन बेच और खरीद रहा है, मकान बेच खरीद रहा है, वो पहुंच जाएंगे, इतना हमें लाओ नहीं तो हम अड़चन करेंगे। और ऐसे जबरदस्त आदमी कि हर जगह उनकी पहुंच, सब डरते हैं, उनको कुछ 10-20 हज़ार दे दो, जैसी स्थित हो दे दो, तो काम होने देंगे, नहीं तो होने नहीं देंगे। बिगड़ानंद की कहानी आप सुने हैं, अनेक बार मैं सुनाया हूँ, फिर याद दिला दूँ। सज्जन ही कहना चाहिए मनुष्य को। एक सज्जन थे एक गांव में, वो सबका काम बिगाड़ते थे, इसलिए गांव वालों ने उनका नाम रख दिया था बिगाड़ानंद। एक लड़के की शादी देखने के लिए लड़की वाले आए, तो लड़के के पिता ने लड़के के जेब में 100 रुपये का नोट रख दिया। कहा बेटा बिगाड़ानंद तो जरूर आ जाएंगे बिना बुलाए, और जैसे वे आवें ये 100 रुपये का नोट उनके चरणों पर रख के पैर छू लेना, नहीं तो बिगाड़ देंगे काम। बर देखुआ बैठे, बर भी बैठा, बर का पिता भी बैठा, इतने में बिगाड़ानंद आ गए, एक कुर्सी पर बैठ गए। बच्चे ने 100 रुपये का नोट निकाला, उनके चरणों पर रख दिया, चरण छुआ। उन्होंने कहा बेटा खुश रहो खुश रहो, तुम्हारी मिर्गी बहुत जल्दी अच्छी हो जाए। वो 100 रुपये का नोट कम था, और देना चाहिए था। बर देखुआ एक दूसरे को देखने लगे कि लड़का जब मिर्गी आता है तो यहाँ लड़की देना कितनी मूर्खता होगी। चुपचाप उठे चले गए, काम बिगड़ गया। जब बिगाड़ानंद मरने लगे, गाँव वालों को बुलाए, रोए और क्षमा मांगे। गाँव वालों ने कहा अब आप जा रहे हैं, हम लोग क्षमा करें। कहे लेकिन एक प्रायश्चित। कहे क्या? कहे जब मैं मर जाऊँ
तो एक मेरे मुंह में लकड़ी गाड़ दी जाए। मैंने मुंह से अपने बहुतों का काम बिगाड़ा है। गांव वालों ने कहा आप ये छोड़िए, आप जा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल आपसे निर्भय रहे। कहे नहीं, मेरी अंतरात्मा को कष्ट होगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं। तो कहा तो कोई बात नहीं, जब मर ही जाएंगे आप तो मुख में लकड़ी गाड़ने से कोई नुकसान नहीं। एक दिन के बाद मर गए। गांव वाले इकट्ठे हुए, एक बड़े ही बुलाए, लकड़ी छील करके मुंह खोला गया, दोनों दांतों को खोला गया, डाल दिया गया, फिर बंद कर दिया गया। उस सिग्नल की तरह खड़ा हो गया। कफन की अर्थी पर लेके चले, संयोग था उधर से पुलिस आ रही थी, कई थानेदार कहीं जांच में गए थे। क्या भाई, कौन मर गया है, इसके मुख के ऊपर क्या खड़ा है, उतारो उतारो, पुलिस का तो अधिकार हर जगह है। उतारा गया, मुंह में लकड़ी। इतने ढीठ हो तुम लोग, इसके मुख में लकड़ी गाड़ करके मारे और वैसे ले जा रहे हो, मालूम होता है सरकार नहीं है। सबको पकड़ करके जेल में डाल। लोगों ने कहा धन्य हो बिगाड़ानंद, जीते जीते सबका काम बिगाड़े, मरने पर भी बिगाड़ के गए। ईश्वर ने माया पाली है और उससे वो सबको पीड़ित करता है। अगर ये सिद्धांत मान्य है तो ईश्वर बिगाड़ानंद है, लेकिन ईश्वर को बिगाड़ानंद नहीं कहा जाता है। किंतु भक्त लोग परिभाषा वही करते हैं अपने अचेती में। जैसे अपने अचेती में श्री कृष्ण महाराज को लोग रसिया कहते हैं, वे रासलीला करते थे, ये बिल्कुल झूठ है। श्री कृष्ण महाराज ने अपने जीवन में कभी भी रासलीला नहीं की है। झूठ कहे संसारा, इस संसार के लोग झूठ कहते हैं। श्री कृष्ण महाराज की उम्र जब 85 वर्ष की थी तब राजसूय यज्ञ हुआ था युधिष्ठिर का, और अग्र पूजा भीष्म पितामह ने कहा कि कृष्ण की करो। शिषपाल श्री कृष्ण का फूफेजात भाई था, जबलपुर क्षेत्र का राजा था, और जल उठा। उसने कहा गऊ न ब्राह्मण, पहले नकटा कौआ, न गऊ की सेवा, न ब्राह्मण की सेवा, न कटे कौआ की सेवा। यहाँ बड़े बड़े राजे महाराजे बैठे हैं, स्वयं वसुदेव बैठे हैं, ज्ञानी बैठे हैं, अरे कृष्ण क्या है, एक अहीर कुछ नहीं है। जो गाली दी है उसने, महाभारत आप पढ़िए तो लगता है कि घटना घट रही है, लेकिन उन गालियों में एक शब्द भी नहीं कह पाया है कि कृष्ण रसिया हैं और रास करते थे, जबकि उनकी रास की बात उनके 10 वर्ष की उम्र में बताई जाती है। और आप रास पंचाध्यायी पढ़ें, श्रीमद् भागवत में 175 श्लोकों में है। क्या ऐसा कर्म 10 वर्ष का बच्चा कर सकता है? इतना अस्वाभाविक, इतना झूठ है कि हद है। लेकिन इतनी अचेती, श्री कृष्ण महाराज जैसे क्रांतिकारी, ज्ञानी, योगी, राजनेता, उनकी इतने गुण हैं कि क्या कहा जाए। उनको रसिया बना के रख दिया गया और रसिक भक्ति चल पड़ी। बहुत दिनों तक चलती रही इसकी देखा देखी। जब राम भक्ति उदय हुई आज से 1000 वर्ष पूर्व, तो कुछ दिनों के बाद उसमें भी रसिक भक्ति चल पड़ी और राम को रासलीला करने वाला कहा गया। संस्कृत ग्रंथों में, कई ग्रंथों में आए। और अयोध्या में ऐसे पुरुष हैं साधु जो स्त्री बने चमकाते मटकाते घूमते रहते हैं। कैसा दुर्भाग्य है हमारे देश का, अपना बनाया और हिंदू समाज का,
बड़े बड़े जगत गुरु रासलीला करवाते हैं, जैसे श्री कृष्ण महाराज या महाराज राम के साथ रास जोड़ना अपराध है, वैसे ईश्वर की माया सबको नचाती है कहना अपराध है। अपराध ही नहीं, पाप भी है। आप तंबाकू खाने लगे, ईश्वर ने खिलाया है कि आप खाए? ये ईश्वर की माया है कि आपकी माया है? एक लड़का किसी लड़की से मोह करने लगा, लड़की लड़के से मोह करने लगी, दोनों वर्ग के लोग क्षुब्ध हैं, समाज क्षुब्ध है, पड़ोसी क्षुब्ध है, वे मान नहीं रहे हैं। ये ईश्वर की माया है कि वो लड़के और लड़की की माया है? जितना आतंकवाद है, निरपराध को भूना जाता है, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते हैं, बम विस्फोट कर दिया गया, मंदिर में कर दिया गया, पूजा करते हैं, तीर्थ यात्री हैं, बस में विस्फोट कर दिया गया, ये भगवान की माया है कि मनुष्य दुष्टों की माया है? पढ़े लिखे लोग भटके हैं, खूब भटके, अंगूठियां लगभग 95% पढ़े लिखे लोग पहनते हैं, अनपढ़ नहीं। सारा रोग इन पढ़े लिखे लोगों में, धनी संपन्न पढ़े लिखे उच्च वर्ग के कहलाने वाले लोगों में जितना रोग है, गरीबों में कम है। कारण भी है, उनको फुर्सत नहीं है। ये नहीं कि वो बोधवान है, फुर्सत नहीं है, पेट धंधे में रात दिन रगड़े जा रहे हैं, इसलिए बैठे ठाली नहीं, खुराफा सूझे, उनके पास ये साधन भी नहीं है। एक महिला ने मुझे फोन किया, अभी 4-5 दिन हुआ, उसका लड़का जा रहा था यात्रा में, अपनी सर्विस में, ऊंची सर्विस है, अभी सर्विस लगी है, किसी ने ट्रेन में उसे नशा सुहा दिया और 2 अंगूठियां थे निकाल ली। बहुत देर के बाद होश आई तो अंगूठियां नहीं है, दुखी हो गया, माता को फोन किया, उसने मुझे फोन किया, मैंने कहा अच्छा किया, अंगूठियां 10,000 की थी, पैसा वाला था, खूब लंबी तनख्वाह पाता है, आजकल कंपनियों में तनख्वाह बड़ी लंबी लंबी मिलती है। मैंने कहा ये 10,000 की अंगूठियां क्यों पहने था? कहीं किसी पंडित ने बताया था। हम कहे पंडित मौलवी ज्ञानी जी महात्मा जी ये सब रोग हैं जो भटकाने वाले हैं, और अच्छा हुआ निकल गया, आप कह दो न पहने, और मुझसे मिलाओ तो मैं उसको कहूँ पढ़ करके तो क्या मूर्खता कर रहा है, पढ़ लिख करके। इतनी सुंदर सुंदर उंगलियाँ प्रकृति ने बनाई है, अंगूठियाँ डाल करके इसको खराब करते, अशोभनी करते, गंदा गंदगी उसमें जमाते, गंदा भोजन करते, अंगूठियों से गंदगी के अतिरिक्त और क्या होगा? देवियां अंगूठी पहनती हैं तब तो रोज वह आटा सानती हैं गंदगी के साथ, नाखून बड़े बड़े न रखो, अंगूठियां मत पहनो, सब माया आपकी बनाई है। ये माया ईश्वर के साथ क्यों चली, इसका इतिहास है। ईश्वर ने दुनिया बनाई तो ईश्वर तो शुद्ध बुद्ध था, कैसे बनाया? तो माया से बनाई, उसके पास माया है। अब दुनिया तो बन गई, अब माया क्या करे, माया को कोई काम देना चाहिए, तो ईश्वर ने कह दिया कि तुम इन प्राणियों को भटकाओ, तो प्राणियों को भटकाने में वो लग गई। ये सब मनुष्यों की का कल्पना जाल है। दुनिया सदा से कहीं एक सिरे से बनी नहीं है, इसका ना आदि है ना अंत है। जो सत्ता है वो अनादि है, और सत्ता के गुणधर्म अनादि हैं। जिन गुणधर्मों से आज सृष्टि होती है वो गुणधर्म नए नहीं हैं, द्रव्य नित्य, उनके गुणधर्म नित्य,
उनके गुणधर्मों से क्रिया नित्य, जगत नित्य, प्रकृति थी, उसमें क्रिया नहीं थी, किसी ने क्रिया डाली, क्यों डाली? अब वो स्वतः क्रियाशील है कि उसको भी कोई क्रियावान करता? अगर वो स्वतः क्रियाशील है तो उसकी स्वतः क्रिया सब समय थी, तो प्रकृति में भी सब समय वो स्वतः क्रिया क्यों नहीं करता था? एक अंधकार में बात को डाल देना, प्रकृति सामने है और स्वतः गतिशील है, प्रकृति अनादि है और उसकी क्रिया अनादि है और उसके द्वारा ये प्रपंच भी अनादि है। इसको कोई नए सिरे से बनाता नहीं है, जुड़ता है, टूटता है, बनता है, बिगड़ता है। ये प्रवाहमान जगत अनादि अनंत गतिशील है, कोई इसका बनाने वाला नहीं। इसलिए इसके मूल में कोई माया बैठी हो बनाने वाली, अभी झूठ है। माया है मन का मोह, माया माया सब का है। माया लखे न कोय, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। ये साहेब की साखी। सब लोग माया माया कहते हैं और माया को समझ नहीं पाते। जो मन से न उतरे वो माया है, राग द्वेष चिंता उद्वेग हानि की खटक न उतरे, ये माया। श्री विशाल साहेब कई बार मुझसे पूछते थे समय समय से। श्री विशाल साहेब के दर्शन मैं 1953 में किया, जब गृह त्याग किया, और उनके पास समय समय से जाता रहा। गोंडा में अपने गुरुजी का आश्रम बाराबंकी क्षेत्र में वे रहते थे, निकट निकट था। गुरुजी स्वयं आज्ञा देते थे जाओ घूम आओ, तो अन्य संतों के साथ जाता था। 58 में मेरी वैराग संजीवनी छपी, तो वो प्रथम पुस्तक मेरी है। उसको श्री विशाल साहेब ने पढ़वा के पूरा सुना। उसके बाद मैं गया वर्षा में, तब उन्होंने मेरे ऊपर दृष्टि डाली और फिर मैं अभिन्न उनका हो गया। जब जाऊं बाहर उनके साथ घूमने जाऊं, भोजन करते समय पंखा हाँकूँ, उनके लेटते समय पंखा हाँकूँ, स्नान करते समय पानी दूं, हर समय अंतरंग हो गया। तो हमसे उनसे वार्ता होती रहती थी। वे कभी कभी पूछते थे अपनी भाषा में, तुम्हें कोनो हानि लागत है, ऐसे वो बोलते थे, तुम्हें कोनो हानि लागत है। इसका अर्थ होता है कि तुम्हें हानि की खटक होती है। तो मैं कहूँ साहब मुझे कोई हानि नहीं, हानि है ही नहीं। कि हाँ ऐसे मन होना चाहिए। हर मनुष्य को हर समय हानि लगती है, ये हानि हो गई, ये हानि हो गई, ये हानि हो गई, चीज की हानि हो गई, सम्मान की हानि हो गई, मर्यादा की हानि हो गई, हमारी मर्यादा नहीं मानी गई, हम बड़े हैं, ये छोटे हैं, इन्होंने हमारा निरादर किया। हानि के अनेक रूप होते हैं, सब मन की कल्पना। हानि 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 में सब जीव जलते, हानि कुछ है ही नहीं। हानि यह है जो हम हानि में जलते हैं, हानि है जो हम अपने को बेच दिए हैं। ये जड़दृश्य माया में अपने को बेच दिए। माया मन का मोह है, अविद्या है, अज्ञान है, आसक्ति। मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, काहिं कबीर ते बाँची है जाके हृदय विवेक। मन सायर है सागर समुद्र, और मनसा इच्छाएं तरंगे, बहुत अचेत इसमें डूब गए। वे बचेंगे जिसके हृदय में विवेक होगा।
मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय परी, मैं काहि कहूँ समझाए। साहब कहते हैं मन और माया एक बात है, यानी मन का विकार माया है। माया मन ही समाए, माया मन में समाई है। माया क्या है? मोह, जो मन में समाया है। लेकिन तीन लोक संशय परी, तीनों लोकों में संशय पड़ा हुआ है, संदेह, दुविधा, भ्रम कि माया कहीं आकाश में बैठी है, हमारे ऊपर कूद पड़ती है। मैं काहे कहूँ समझाए, किसको किसको समझा के कहूँ? सब तो किताब के चक्कर में पड़े, किताब में लिखा है। साहब कहते मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हुई रे? तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आँखिन की देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखे अरझाई रे। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हुई रे? तुम कागज में लिखा है वो बाँच रहे हो, और मैं आँखिन देखा कहता हूँ, अनुभव की बात कहता हूँ। तुम कहते हो माया भगवान की माया। ब्रह्मज्ञानियों ने, ईश्वरवादियों ने, दोनों ने माया को खूब उछाला है। ब्रह्म शुद्ध बुद्ध, जगत कैसे बन गया? माया से। अब माया पीछे पड़ गई ब्रह्म के। लेकिन माया क्या है इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। स्वामी शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं संन्याप संन्याप उभयात्मकानो, भिन्नाप भिन्नाप उभयात्मकानो, संगाप नंगाप उभयात्मकानो, महद्भुता निर्वचनीय रूप। संन्याप संन्याप उभयात्मकानो, माया सत है ये कहते नहीं बनता है। सत है तो ब्रह्म सत्य, और माया सत्य तो द्वैत हो गया। अब अद्वैत सत्य अद्वैत है तो माया कहाँ है? लेकिन अगर माया को असत कहें तो उसका कार्य जगत दिखाई देता है, तो असत कैसे कहें? असत से तो कुछ नहीं बनता है, इसलिए माया को असत कहते नहीं बनता है, और सत भी कहते नहीं बनता है। उभयात्मक कहें कि सत भी है असत भी है तो और निंदनीय हो जाएगा, घपलेबाजी की बात। भिन्नाप भिन्नाप उभयात्मकानो, माया ब्रह्म से भिन्न है कहें तो स्वतंत्र माया हो गई फिर, और अभिन्न कहें ब्रह्म से तो शुद्ध बुद्ध ब्रह्म में माया का रोग हो जाएगा। उभयात्मक कहें कि भिन्न भी है अभिन्न भी है तो फिर वही घपलेबाजी की बात। संगाप नंगाप उभयात्मकानो, अंग सहित कहें अंग रहित कहें उभयात्मक कहें सब में उलझन है, इसलिए महद्भुता निर्वचनीय रूप, महान अद्भुत है, अनिर्वचनीय कह नहीं सकते। तलवार स्वामी जी धर दे, अस्त्र शस्त्र धर दे, अघटित घटना पटी सी दुरुत्तया अनिर्वचनीय, ये ब्रह्मवादियों के वचन है माया के लिए। अघटित घटना पटी सी, जो घटना न घट सके ऐसी घटना घटा देने वाली माया। अघटित घटना पटी सी दुरत्तया, जिसको तरा न जा सके पार न कर मिले। अनिर्वचनीय, जिसका निर्वचन कथन न हो सके ऐसी माया है। अब इस प्रकार की व्याख्या तो माया से रगड़ गए, जब दुरत्तया है तरी नहीं जा सकती है तो ये ज्ञान विचार साधनक क्या मतलब है? ईश्वरवादी प्रभु माया गरियसी, प्रभु की माया बड़ी कठिन है, वो तारे डुबावे तू ही ने दर्द दिया तू ही दवा देना, हे प्रभु तू ही ने ये माया का दर्द दिया है, अब तू ही बचाए तो बचाए। पता नहीं वो बचाए कि डुबाए, कुछ ठिकाना नहीं। आज तक तो नहीं बचाया, आज तक तो रगड़े है। अनादि काल से हमें इस दुनिया में जन्मा जन्मा के मार रहा है, हम रो रहे हैं।
आगे क्या विश्वास है कि ईश्वर कृपा कर देगा और माया को बटोर करके हमें मुक्त कर देगा। तो ईश्वरवादी माया को गरीसी, प्रभु माया गरीसी बरीसी कहते रहते हैं, और ब्रह्मवादी अघटित घटना पटीसी दृत्या निर्वचनीया कहते रहते हैं। दोनों साधक को साहसहीन कर देते हैं, और इसमें मूल कारण वही है कि दोनों मानते हैं ब्रह्म शुद्ध है, ईश्वर शुद्ध है। उसने दुनिया कैसे बनाई? माया लेकर। अब माया साथ हो गई, वही माया सबको भटका रही है। ये सारी व्याख्याएं गलत हैं। दुनिया में जड़ चेतन है, जड़ अनादि है, चेतन अनादि है। जो दृश्यमान जगत है ये जड़ प्रकृति का खेल है। जड़ तत्वों में गुण है, धर्म है, क्रिया है, संबंध है, अंतः संबंध है। पृथ्वी के कणों में क्रिया है, तभी उसमें संविवहन विघटन होता है। जल में क्रिया है, वो बहता है। हवा में क्रिया है, आग में क्रिया है, सभी तत्वों में क्रिया है। चार तत्व हैं। आकाश तत्व शून्य है, उसमें न द्रव्यत्व है न क्रिया है न कोई गुणधर्म है। जिसमें घात प्रतिघात होता है और जिसका परिणाम होता है वो मिट्टी पानी आग हवा है। इनके अपने गुणधर्म और क्रिया शक्ति है, अवंतः संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हैं, तभी कार्य बनता है। एक तत्व से कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है। और ये सब अनादि हैं, सदा से हैं और सदा रहेंगे। और इनमें गुणधर्म सदा स्वभाव सिद्ध अनादि निहित है। इनसे ये जगत प्रपंच निरंतर है, इसमें किसी माया की जरूरत नहीं है। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा ये सारे विशेषण आत्मा के लिए है। आत्मा को छोड़ करके ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की घटना कहीं नहीं घट सकती। आत्मा सारे ज्ञान विज्ञान का मालिक है, इसलिए ईश्वर है। पानी का स्रोत है, कोयले की खदान है, पत्थर की खदान है, रत्नों की खदानें मिलती हैं, तेल पेट्रोल के स्रोत हैं। ज्ञान का स्रोत या खदान आपने कहीं देखा? वो केवल चेतन है, मनुष्य है। ईश्वर ब्रह्म इस जीव के अलावा कहीं कोई है जो ज्ञान करता हो, जो बताता हो कुछ? वेदों को ईश्वर ने बनाया, वेदों को मनुष्यों ने बनाया। वेद को आप पढ़ी देखिए, हर सूक्त पर ऋषि मंत्र और विषय के नाम दिए गए हैं। विषय देवता, देवता ही विषय है। सूरज, आदित्य, उषा, अश्वनी, दधिक्रा, वायु, इंद्र, मरुत, वरुण, ये सब देवता हैं, ये प्राकृतिक शक्तियाँ, ये विषय है। और ऋषि विश्वामित्र वशिष्ठ इत्यादि ऋषि हैं, सैकड़ों ऋषि हैं। और छंद गायत्री बृहति पंक्ति उष्णिक जगति, हर सूक्त पर, एक सूक्त में कई मंत्र होते हैं, हर सूक्त के ऊपर ऋषि का नाम होगा और विषय का यानी देवता का नाम होगा, किस विषय में कहा गया है, और छंद का नाम होगा। तो ऋषि का नाम पहले रहता है जो उसका रचनाकार है। वेद कोई आकाशी ईश्वर नहीं रचा है, और कोई किताब, दुनिया की सारी किताबें मनुष्यों की रचनाएं, अपने आप को न समझ करके उसने अलग ईश्वर ब्रह्म की कल्पना की है।
इसलिए हजारों वर्षों से संतों ऋषियों ने जनता को मोड़ा है कि अपनी तरफ लौटो, बाहर ईश्वर ब्रह्म नहीं है। ईश्वर ब्रह्म शब्द की चरितार्थता आप में है, अपनी को पहचानो। गीताकार ने भी कहा, उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेत चापयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। अस्मिन देहे, इस देह में पुरुषा परा जो पर पुरुष है, उपद्रष्टा वो ये देह में रह करके निकट से सब मनिंद्रियों को देखता है, इसलिए उपद्रष्टा। अनुमंता वही राय देता है, प्रेरित करता है इंद्रियों को। उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता, वही भरण पोषण करता है, शरीर की वही रक्षा करता है। उपद्रष्टानुमंता चा भरता भोगता और वही सुख दुख भोगता है, क्योंकि वही कहता है। महेश्वर वही महान ईश्वर है, परमात्मे वही परमात्मा, इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है। उपद्रष्टा अनुमंता भरता भोक्ता महान ईश्वर परमात्मा कौन है? अस्मिन देहे पुरुष परा, इस देह में रहने वाला पर पुरुष, यानी पर नाम ऊपर, शरीर से ऊंचा, बिलक विलक्षण। कबीर साहब ने जो बातें कही हैं गीता में, उपनिषद में, यहां तक रामचरित मानस तक में, जानत तुम ही हो जाई, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, उसमें भी बीच बीच किरणें हैं, अवंत में थक करके अपने में लौटना पड़ेगा, कहीं कुछ मिलेगा नहीं, न बाहर ईश्वर मिलेगा, न परमात्मा मिलेगा, न कोई देवता मिलेगा, न कहीं मुक्ति धाम मिलेगा, न स्वर्ग मिलेगा। जो कुछ आप अच्छे अच्छे शब्दों से कहते हैं, वो सब का लब्बो लबाब आप खुद, सार्थत्व आप खुद, आपन पो आप ही बिसर्यो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भू सिमर्यो, वैसे ही गजफटिक शिला सो दसनन आनी हर्यो, मरकट मूठ स्वाद नहीं बहुरे घर घर रटत फिर्यो, काई कबीर नलनी के सोना तुही कौने पकर्यो। आपन पो आप ही बिसर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भू सिमर्यो। जैसे स्वान कांच मंदिर में गया, अपने प्रतिबिंब देखा तो समझा दूसरा कुत्ता भूख भूख के मर गया, वैसे ही सिंह पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, दूसरा सिंह समझा, उससे लड़ने के लिए कूदा और डूब के मर गया, वैसे ही हाथी स्फटिक पर्वत में अपना प्रतिबिंब देखकर दूसरा हाथी समझा और सिर मार मार के मर गया। जैसे बंदर सुराही में हाथ डाला चना के लिए, मुट्ठी बांधा और मुट्ठी नहीं निकली सुराही से, और चना का लोभ छोड़ नहीं पाया, कलंदर द्वारा पकड़ लिया गया। जैसे सुगा लाल मिर्ची के लोभ में चरखी में बैठा खाने के लिए, और चरखी घूम गई फंस गया। ये पांच उदाहरण साहब देते हैं। ऐसे तुम अपने को भूल करके बाहरी विषयों में उलझ गए हो। समस्या भगवान की माया नहीं है, समस्या आपकी माया है। पाना परमात्मा अलग से नहीं है, पाना कुछ है ही नहीं है, परात्मा ब्रह्म परमात्मा आप ही है। स्वामी शंकराचार्य ने तो बारंबार परात्मा परमात्मा परब्रह्म ये आत्मा ही को कहा है, और यही श्रुतियों का निर्देश है। और सब का निर्देश करने वाला आप स्वयं अपने पर केंद्रित होइए, देखिए आपको कुछ मिलने वाला नहीं। पांचों ज्ञानेंद्रियों से मिलने की बात आती है, बाहर की चीज कैसे मिलेगी? पांचों ज्ञानेंद्रियों से। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो मिलता वो विषय होता है, मन से जो मिलता वो संकल्प विकल्प, सब विषय है।
गोस्वामी जी भी कहते हैं, गो गोचर जालक मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। देखी सुनी गुनी मनवाही, मोह मूल परमारथ नाही, एक चौपाई काफी है। देखी सुनी गुनी मनमाही, जो कुछ देखो सुनो मन में गुनो, मोह का कारण बनेगा, परमार्थ नहीं बनेगा। राम के आँख नाक हाथ पैर सब में लुभा देने वाले गोस्वामी जी अंत में कहते हैं, देखी सुनी गुनी मनमाही, मोह मूल परमार्थ नाही। परमार्थ तो है देखना सुनना बंद करो। यत्र नानत पश्यत नानत श्रणोत नानत विजाना सभूमा। सनत कुमार नारद से कहते हैं, जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की स्थिति है। अपने को समेट लो, अपने मंदिर में आ जाओ। आपका मंदिर आत्मा है, आपका अस्तित्व है, आपका होना है। आप महान ऐश्वर्यशाली हैं, सम्राट परमात्मा है, ब्रह्म है, खुदा है, गॉड है। आप अनंत सुख के खजाना है। अपने में अपने को समेटो, लौटाओ अपने को। ये काम नहीं करते हो, घूर पर दाने बीनते हो, सम्राट हो करके बिलबिला रहे हो, रो रहे हो, कोई मर गया रो रहे हैं, जिलाना चाहते हैं, कुछ बिगड़ गया फिर बन जाएगा। कुल तो बिगड़ने वाला यहाँ है, किसके लिए रोया जाए। काको रो गैल बहु तेरा, बहुतक मोल फिरल नहीं पेरा, जब मैं रोया तब तुम न संहारा, गर्भवास की बात बिचारा, अब तैं रोया क्या ते पाया, के कारण अब मोह रोवाया, कहें कबीर सुनो संतो भाई, काल के बसी परो मत कोई। क्यों रो रहे हो, क्यों मुझे रोला रहे हो, क्या बिछुड़ गया है, आपका है क्या जो बिछुड़ गया है। झूठ झूठ संबंध बनाए हो, वो झूठ अंत में झूठ होके के रहना है। एक स्त्री रो रही थी, उसका पति मर गया था, उसने कहा बिछड़ गई मेरी जोड़ी, तो साहब पहुंच गए, उन्होंने कहा जिन जोड़ी तिन तोड़ी, कहीं कबीर सुनो हो साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी, तूने क्यों जोड़ा था, न जोड़ती तो तोड़ने दुख ना होता, जोड़ने में बड़ा आनंद आया। विवाह करो तो आगे के लिए ध्यान रखो। आजकल तो विवाह होता है, खूब फिल्माते हैं लोग, एकदम बढ़िया कैसेट बनवा लेते हैं, और विवाह के बाद कोई नए नए लोग आए तुरंत दिखाते हैं। वो कैसेट को रखे रहो, कुछ वर्षों के बाद जब तुम्हारे में कहा सुनी हो, पति पत्नी में गलफुलव्वल हो, एक दूसरे को देखना ना चाहो, गाली गुप्ता बक को कट करो, तब उसको खोल करके कैसेट देखो तो थोड़ा आनंद आएगा। सारा रंग भंग होना है, सारा मिलन छूट जाना है, सारा संबंध विघटित हो जाना है। ये शरीर अनेक कणों का जोड़, मेरा शरीर जो कहलाता है, कुछ वर्षों के बाद इसके कौन कौन कण कहाँ कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। एक बूंद पानी बूंद गिरी जमीन पर, फर्श पर 6000 संख परमाणु, उसमें वैज्ञानिक बताते हैं, एक अटकल उनका है। 10 मिनट के बाद बूंद सूख गई, उसके कण कहाँ कहाँ गए कौन बताएगा, कोई वैज्ञानिक भी नहीं बता सकता। लेकिन वो कण नष्ट नहीं हुए हैं। हमारा शरीर तो बूंद की अपेक्षा बहुत भारी है, लेकिन इसके कण कहाँ कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं रहेगा। जिस संगठित शरीर को आज हम देख करके फूले नहीं समाते हैं, ये है ही नहीं, एकदम धुआं का धरहरा है, सारा संबंध धुआं का धरहरा है। इस तथ्य को निरंतर देखो, क्लेश समाप्त होगा। इतना होने पर भी खाना है, पीना है,
रहना है, बसना है, जब तक शरीर है, प्रबंध है, प्राणी पदार्थों का बर्ताव है, लेना देना है, हमारे सहयोगी हैं उनका हमें भी सहयोग करना है, जो नहीं सहयोगी हैं बन सके तो उनका भी समय से सहयोग करना है, और इसके लिए काम करना पड़ेगा, और इसके लिए अपना विवेक मजबूत रखना पड़ेगा। इसी में आँच आती है, घर बनाओ, आश्रम बनाओ, परिवार इकट्ठा हो, समाज इकट्ठा हो, खाना पानी लेना देना व्यवहार बर्ताव करो, इसमें कुछ टूटेगा, कुछ फूटेगा, कुछ बनेगा, कुछ बिगड़ेगा, कुछ आवेगा, कुछ जाएगा, हानि होगी, लाभ होगा, अपमान होगा, सम्मान होगा, इसी में आँच आती है। ये आँच न लगे ये साधना का फल है, किसी की कृपा नहीं, कोई भगवान कृपा करने वाला नहीं, जब वो कृपा कर देगा तब आपको आँच नहीं लगेगी। गुरु बिचारा क्या करेगा, उपदेश करेगा, वो भी ऐसी कृपा नहीं कर पाएगा कि हाथ उठा दे और उसके हाथों से किरण निकले और आप में जा करके घुस जाए, अब आप दुख रहित हो जाए। गुरु वह है जो दुख रहित है, और आप भी उसके उपदेश माने आप भी दुख रहित हो जाए। आपको स्वयं बनाना पड़ेगा अपने को, कोई और आधार नहीं है। गुरु केवल उपदेश कर सकता है, और ये कब नहीं है, गुरु न मिले होते तो हमारी क्या दशा होती। मैं तो स्वयं अपने लिए सोचता हूँ, गुरुदेव ने मुझे निकाला कचड़े से, उन्होंने निर्देश दिया, बताया, समझ में आया। मैं अपना अनुभव करता हूँ, भक्ति भावना तो बचपन से थी, जब से स्मृति आने लगी, ये जन्म जन्मांतर का संस्कार को हम भी वही मानते हैं, जब से होश में आया तब से भक्ति थी। मुझे याद है धान की कटाई में जाऊं, मजदूरों की निगरानी रखूं, अपना भी काटता था जो बन पाता था, मजदूर अगर दूसरे के, मजदूरों में ये होता है, दूसरे के खेत से थोड़ा धान काट लाए और उसको मींच करके अपने साफे में बांध ले, तो उनको डांटता था ऐसा मत करो, लेकिन माने नहीं, तो मींच करके अन्न बांट अपने कपड़े में बांध रहे धान, और डंठल हमारे खेत में डाले, तो हम के देखो हमारे खेत में डालते हो तो उसके दाने होंगे, कुछ न कुछ हमारे दाने में मिलेंगे, हमें पाप लगेगा, ये डंठल यहाँ से हटाओ। थोड़ी उम्र में ये मैं अनुभव करता था, ऐसा सोचता था, और भगवान के प्रति अनुराग भक्ति, जब पारक सिद्धांत का ज्ञान हुआ तब लगा विरक्ति भाव, आगे बढ़ना होगा। गुरुदेव तो कभी नहीं कहे तुम घर छोड़ाओ, कोई नहीं, हम लोग भी किसी की नहीं कहते घर छोड़ो, घर में रहे लोग, और जब आएगा समय तो कहना नहीं पड़ेगा। एक नवयुवक मेरे पास आया था, ग्रेजुएट, वकालत पास, 28 वर्ष का जवान, चट्टा, तेज तर्रार। मैंने उसको बहुत समझाया, तुम्हें वैराग नहीं, तुम घर लौट जाओ, तो रोने लगा, पैर पकड़ करके मेरा पैर भिगा दिया रोते रोते। मैंने कहा अभी नहीं जाओगे तो पीछे जाओगे तो फिर कभी संबंध नहीं रखोगे, चले जाओ। गया तो एक महीने के बाद पत्र भेजा कि साहब अब मुझे आप देखिएगा कि मेरा वैराग पूरा हो गया है तब बुला लीजिएगा पत्र देकर। तो मैं उसको उत्तर दिया, अवंत में ये लिखा कि एक घर में कई स्त्रियां थीं, एक स्त्री गर्भवती थी, तो एक दिन खाने पीने के बाद शाम को उसने कहा अन्य स्त्रियों से कि लगता है आज मुझे बच्चा पैदा हो जाएगा, तो जब बच्चा पैदा होने लगे तो मुझे जगा देना। तो स्त्रियां हंस पड़ी, कही बेवकूफ तू ही जगाएगी, हमें नहीं जगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा भैया जब तुम्हें वैराग लगेगा तब तुम स्वयं भाग के आओगे, हम तुम्हें पत्र नहीं देंगे कि अब आ जाओ। तो घर छोड़ने कोई संत राय नहीं देते हैं, वो दशा आती है, परंतु गुरुदेव का वचन, उनकी कृपा और सब हुआ, रास्ते में
ये अवस्था में जो मनोकामना थी पुराण में पढ़ता है तो लिखा रहे निर्वाण पद को पा गए, ब्रह्म धाम में चले गए। मानस तो बचपन से पढ़ता था, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद वेद पुराण निगमागम पद, तो सोचूं कि वो कोई धाम होगा आकाश में। पारक सिद्धांत मिला तो समझ में आया, उपनिषद इत्यादि उस समय नहीं समझ पाता था, पढ़ता था वेद भी पढ़ता था समझ नहीं पाता पढ़ता था, पारक सिद्धांत जब समझा तो वो भी सब समझने लगा। और जो निर्वाण पद अक्षय पद ब्रह्मधाम पढ़ता था वो मिल गया, गुरुदेव की कृपा से मिला, संतों की कृपा से मिला, उसी की सुरक्षा जीवन भर रखना है। ये संत न मिलते गुरु न मिलते कुछ भी न कर पाता, सड़ता होता कहीं तो। गुरु संत की कृपा अपार है, ये भक्त समाज की कृपा अपार है। भक्तों ने कितने ठोकर दिए कि तुम क्या करते हो आगे बढ़ो, चारों तरफ से मैं उपकृत हूं लेकिन करना खुद पड़ता है। गुरु संत भक्त सबका उपकार कम नहीं है जो निर्देश है। मेरा वैराग तेज हो रहा था, एक नाई था टहल नाम था, वो मुसलमान तो था लेकिन निर्गुणी भजन खूब गाता था। वैराग की बात मैं करने लगा, शाम को बैठा था दो चार सत्संगी, तो उसने कहा कब व्यंग किया कब, तो मुझे तीर जैसा लगा। वो बात अभी भी नहीं भूलते। उसी के दो महीने के बाद निकला हूँ, वो तो पक रहा था तो व्यंग किया उसने। जब मैंने वैराग की बात कही तो उसने कहा कब, और कई वर्षों के बाद जब वहाँ गया तो वो 55 बरस का था और उसकी शादी रची गई थी टहल की, वो बहुत शर्माया मेरे सामने आने में स्वयं ऐसा था लेकिन हमारे ऊपर व्यंग किया था और वो व्यंग हमारे लिए अमृत था। तो सामान्य व्यक्तियों द्वारा भक्तों द्वारा एक भक्त गृहस्थ जो रजगीर रहे वो आवे कुछ टूटा फूटा घर में बनाने और कबीरपंथी रहे, मैं चंदन लगाऊं शैव चंदन, चोटी एक हाथ लंबी मेरी रहे, गांठ बांध करके पूजा करूं संध्या उपासना। अरे कहे भैया जो तुम करत हो, पारखी संत मिलेंगे तब पता लगेगा, कबीर साहब का ज्ञान जानोगे तब पता लगेगा। तो हम कहे वो क्या कहते हैं कबीर साहब, तो बता नहीं पावे लेकिन व्यंग करे मेरे ऊपर, वो व्यंग मुझे अमृत लगा। तो मैं देखता हूँ सामान्य व्यक्तियों द्वारा भक्तों द्वारा संतों द्वारा गुरुदेव द्वारा जो सहारा मिला वो अमित है, और सबको जो चाहेगा मिलेगा लेकिन करना खुद पड़ेगा। माया आकाश में नहीं है, भगवान की माया नहीं नचाती है, भगवान आप हैं, परमात्मा आप हैं, ब्रह्मा आप हैं, अब आप ही की माया आपको नचाती है। कबीर माया राम की चढ़ी राम पर कूद, हुकुम राम का मेट के हुई राम ते खुद गुरदयाल साहब कहते राम की माया राम के ऊपर चढ़ बैठी। तो राम कौन है, ये जीवात्मा, इसी ने मोह बनाया और इसका मोह इसके ऊपर चढ़ बैठा, इसलिए मेरे को दुख देने वाला कोई नहीं। मैंने उठाया था कि हमें कौन दुख देता है, कोई नहीं देता है, हमारा अज्ञान हमारा अविवेक हमारा अहंकार हमारा कूड़ा कचड़ा हमें जलाता है। अपने अहंकार मोह और अज्ञान को मिटाएं और सच्चे अर्थ में सुखी हों।